मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज और काले कानून के विरोध में भाकी तोमर के नेताओं ने रोड जाम किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी किसान नेताओं को पुतला फूकने से नहीं रोक पाई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेता और कार्यकर्ता खादर चौक पर पहुंचे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर एसडीएम को ज्ञापन देने की घोषणा कर रखी थी, जिस कारण जिला प्रशासन ने सुबह से ही मुख्यालय से पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी खादर चौक पर तैनात किया था। तय समय पर आए किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मनोहर लाल खट्टर के विरोध में प्रदर्शन है। उन्होंने जो निहत्ते किसानों पर लाठी चार्ज करी है उसके विरोध में प्रदर्शन है। तीन काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन है। भ्रष्टाचारी के विरोध में प्रदर्शन है। किसानों के हक में प्रदर्शन है। क्या पुतला फूका गया आज? ये मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका गया हरियाणा सरकार का और पुरकाजी के अंदर और भारतीय किसान यूनियन तोमर इसका विरोध करती है। पुलिस प्रशासन ने जो घेर रखा है, क्या मामला? पुलिस प्रशासन शासन ये सब इनकी मिली जुली किसानों को और मजदूरों को दबाने का इनका प्रयास हो रहा है। आज हमें भी दबाने का प्रयास करा गया और मैं ऐलान कर रहा हूँ पुरकाजी, मैं अगले महीने में आज प्रशासन के द्वारा रोका गया, आने वाले महीने में महापंचायत का ऐलान होगा पुरकाजी के अंदर। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने किसान नेताओं से पुतला ना फूंकने की अपील की, लेकिन काफी मन मनोबल के बाद भी किसान नेता नहीं माने और पुतला दहन कर नारेबाजी कर जीटी रोड पर बैठ गए और बाद में पुलिस फोर्स मुख दर्शक बन वीडियो बनाती नजर आई।